अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, डजंट मैटर वेयर आई लिव इन दिस वर्ल्ड, सो यू आर फाइन एंड हैविंग अमेजिंग डे। सो इट्स एन अदर व्लॉग। सो ये उसी जो पिछला व्लॉग बना, ये बना तो उसी के अंदर था, लेकिन मैंने जब देखा कि उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही थी तो फिर मैंने सेपरेट व्लॉग में कर दिया। तो यार इसमें आपको हवा कुछ ज़्यादा महसूस होगी इस व्लॉग के अंदर, तो उस वजह से आपको थोड़ा वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस आएगी। सो यार उससे थोड़ा निग्लेक्ट करना और वीडियो पूरी देखना। थैंक यू। कभी रुक को इतना तेज मैं नहीं चल सकता हूँ। थोड़ा लग गई। अच्छा कबीर, तुम्हारे तुमने जब मतलब थोड़ा हमारा साथ, मतलब पहली बार तुम मेरे से बात करने में झिझके, या तुम्हें क्या लगा मैं क्या मतलब गुस्सा करूँगा या क्या? वैसे तुम्हारे साथ मेरा बहुत टाइम गुजर चुका है इंटर में। हाँ, तुम मेरी नेचर बताओ सबको, किस तरह को मैं नेचर कैसे बताऊँ, मतलब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो मतलब कैसे मतलब चला, किस तरह नहीं बताओ। बहुत अच्छे चले। हाँ और इंशाल्लाह। तो मैं कौन सी बात मेरी पसंद कौन सी बहुत है? नहीं अब मैं कभी कभी जिंदगी में तुमसे नहीं मिलूंगा। क्यों? ये लास्ट है, मैं दुआ करता हूँ जिंदगी में कभी ना मिले। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ वो मैं बाद में बताता हूँ। इधर रुको, तुम मुझे बता, कबीर आज पागल हो गया, मतलब डर लग रहा है, बारिश यासीन आ रहा है। अच्छा कबीर सुनो मेरी बात। हाँ तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे बारे में बताऊँ फिर तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या बताना है मेरे बारे में। कबीर ना जब मैं कॉलेज आता था, ये थोड़ी दो कभी मैं पहले पहुँचता था कभी ये कबीर, एक दिन कबीर बोला यार धानिया चुप खड़े तुम आ गए, हम बाहर खड़े थे। मैंने बोला क्या हो गया यार, तुम्हें पता नहीं है मेरे से क्या हो गया था? वैसे कबीर की एक्टिंग करना था यार। मैंने बोला अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या हो गया। फिर पता चला क्या यार, मेरे पीछे कुत्ता मुझे फॉलो कर रहा था। ये शख्सियत, ये शख्सियत तारुफ के मोहताज नहीं है, ये है हमारे सियार। सियार साहब कॉलेज ओवर हो रहा है आपके लिए, क्या आप काम करना चाहेंगे? कॉलेज तो ओवर हो गया है, माशाल्लाह पेपर्स भी ख़त्म हो गए, अब बस हर कोई अपनी मंजिल पे रवा दवा होगा, जो अच्छे यार होंगे साथ होंगे, उसकी यारियाँ होगी वो अपनी साथ निभाएंगे, तो बस कॉलेज में कभी तुम गाना गाओ। अशोक, अच्छा तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है? अच्छा एक तुमसे नहीं, तुम तो चुप करो, एक तो हर टाइम लगे रहते हो। अशोक एक बार देख कर हुआ तो एंगल अच्छा है। हाँ तो मुझे ये बता, जब तुमने मतलब फर्स्ट टाइम मुझे देखा था रही के अंदर, तो तुम मतलब क्या फीलिंग आई थी मुझे देख के? तुमने क्या अंदाज़ा लगाया था मेरे बारे में, मैं किस तरह का आऊँगा, मतलब गुस्से वाला आऊँगा, कैसा आऊँगा कैसा नहीं? पहले तो आप बहुत ही काम पता चलता गया कि भाई दानियाल तो इस नेचर का है, तो अच्छी बॉन्डिंग होती गई, इससे अच्छा वास्ता हो गया माशाल्लाह, साथ भी है। हाँ पहले वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करना, पहले मैं क्या था? कूल और काम था, फिर वो दानियाल ने पता नहीं क्या हो गया इसको, जज्बा नहीं हो सकता था। हाँ कबीर कबीर की संगत इसको खराब लगी। अच्छा पूरी फर्स्ट ईयर में मैं कबीर कबीर तुम बताओ, जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था कॉलेज में, कैसा लगता था मैं, मतलब मुझे जैसे अभी मैं आ रहा हूँ, जैसे कोई न्यू टीचर है, तुम उसके बारे में इंसान की दिल से निकलता है ना। हाँ एक तो मंस की दिल से निकलता है ना, इधर इधर आओ जल्दी, पहले सजेशन बाद में लेंगे, पहले इनकी मस्ती है। ये साहिल बना रहा है वीडियो, साहिल मुझे भेजना। हाँ अब तुम मुझे बताया नहीं तुम बच गए। कबीर जब तुमने फर्स्ट टाइम देखा था, तुमने मेरे बारे में क्या अंदाज़ा लगाया? मुझे लगा था कि तुम क्रिएटिव ज़्यादा हो और थोड़े इनोसेंट भी लगते थे। मैं इनोसेंट नहीं हूँ क्या? और अभी भी थोड़ा लगते हो, लेकिन मतलब अब जान पहचान हो गई है तो उस हिसाब से। अच्छा मतलब जब तुम पहली मरतबा मेरे से डरता था तुमसे बात करने के लिए, और अब तो साथ यार ये बात तो है, अभी तक मुझसे लड़के ठरते नहीं, कहीं जा रहा था चुप।
हो रहे अगर आप मैंने बोला नहीं नहीं कहते सर नहीं नहीं आप बता दें हम बंद कर दें मैंने बोला नहीं यार एक दिन एंजॉयमेंट टाइम कर लो क्या पता है मेरे क्लासमेट्स क्या कहते हैं जो स्कूल वाले हैं वो कहते थे कि दानियाल कुछ भी फट जाके शिकायत लगाता इधर रुको यार मैं जा रहा हूँ एकदम पकड़ के रखा अभी मैंने ना फिन सब के ऊपर भी लिखो सबके ऊपर लिखना है सबके ऊपर इसके ऊपर लिखनी है वाली वाली दिखा 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 मेरे रहता हूं इसके ऊपर शुरुआत तुम मेरे फिर उसके ऊपर लिखा जा रहा है देख लो ज्यादा किलो सब पे नहीं लेना ये भाईजान जो अपना ऑटोग्राफ देते हुए दानियाल साहब को इधर दे दे मैं लिखूं रुका रुका तो सही एलेक्स बाटी बाटी नहीं लिख रहा है हरीस इसको पकड़ मैं लिखूं पहले चल इसको लिख अच्छा लिख इधर वेल्डिया दूसरी बनाओ इधर चल रही है ये मेरे कहीं भी नहीं बसता इसलिए यहाँ लिख दिया कहते हैं दिल को दिल से राह इससे कोई राह नहीं है तुम्हारे लिए कुछ लिखना ये कबीर इधर लाओ आज बंद रखो दिल पे लिख रहा हूँ ना दिल पे छू जाए मामा इधर इधर नहीं लिखा हाँ नहीं यार पीछे जा रहे ए सी ना मेरे को भी लिखवाना तूने लिखा नहीं यार ये मैंने भी ये भी मैंने यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी आप लोग कितने तमाशे कर रहे हो ये देखो कबीर के यहाँ मैंने लिखा क्या लिखा है बेस्ट विशेस फॉर यू आगे बताए क्या करते हो कहाँ है फोकस कर रहा बट इमोजी भी बना दिया मैंने मेरे को भी यहाँ पे बनाया हारिस आओ कबीर आओ फोन पकड़ो चलो भाई कौन रहता है कौन रहता है हर सलाम इधर आओ बेस्ट विशेस फॉर यू मेरे लिए भी बेस्ट विशेस ओह माय गॉड मैं समझा था मेरा कजन आ गया है मेरा कजन मेरे व्लॉग में आया भी है इधर ला फोकस करो इधर रुको तुम दोनों अभी तुम लोगों से कुछ पूछना है हाजिर हाजिर भाई मैं हां किसे कबीर से हां ओ शेमा रंग बुराया तो ये और आगे ले आओ ना सही दिखाई दे रहा है लव लव यू यार वो हमारा सना नहीं आया सना वो हमें रोज कहता था क्लास में आई लव यू हम बोलते थे आई लव यू टू चले तो सवाल जवाब शुरू करते हैं पूछना बात तुम जरा कैमरा को आगे लेके आओ मैं बहुत मोटा आ रहा हूँ सारा दिखाई दे रहा है तो अरसलान जब तुमने मुझे पहली बार क्लास में देखा था ना मतलब फर्स्ट ईयर में तो मतलब तुमने क्या एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारी मतलब तुम क्या समझ रहे थे मेरे बारे में किस तरह का किस
मिजाज का। सर मैंने सोचा आप मम्मी डैडी होंगे थोड़े, ठीक है हाँ। फिर आप हमारे साथ जब टूर में चले, हाँ नहीं फर्स्ट ईयर में तो हमारी इतनी नहीं बनी थी, इंटर में थोड़ी बहुत बनी थी, ठीक है इंटर में बनी थी तो थोड़ा बहुत मजाक किया करते थे, लेकिन लिमिट में जब आप हमारे साथ वहाँ पे चले टूर पे तो और ज्यादा पता चला कि आप माशाल्लाह से यार मम्मी डैडी नहीं है, अच्छे बंदे हैं। मम्मी डैडी जो होते हैं ना वो संगत साथ में नहीं चल सकते, इसलिए हमारे लिए आपके लिए दुआ है। तुम आगे ले आओ कैमरा, इंशाल्लाह ले रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह आप जिंदगी में अच्छे मकाम पे पहुँचे, हमारे लिए भी हमें याद रखना, हम दुआ को हैं। मैंने पता इस्लाम तुम्हें पहली बार देखा था तो क्या समझा था, आगे तुम रावल के साथ आए थे ना यार, वो रावल के साथ मेरा एक कज़न होता है अरसलान, अरसलान नहीं एक मेरा दूसरा कज़न है उसका नाम भी अरसलान है पता है, वो यासर रियाज को जानता यासर, यासर होता मैं है। समझा यासर ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैंने बोला मैंने एडमिशन लिया तब यासर ने तब क्यों नहीं लिया यासर आया मुझे बुलाया भी नहीं रहा था, मुझे देख रहा है आ रहा जा रहा है लेकिन पहचान नहीं रहा, फिर मैंने किसी से पूछा, मैंने रावल को बोला, मैंने बोला ये यासर क्या कर रहा है, उसने बोला ये यासर नहीं। हाँ तो तुम बता रहे थे ना मेरे बारे में, पहले तो सारा मुँह पे केक लगा हुआ है, ये देखो यार ये केक वाला इतना गंदा सीन किया, इतना गंदा, आधे नाराज़ होकर चले गए और आधों के मुंह इस तरह हमारी तरह, हम तो फिर भी कुछ कम है, इसका भी इसने साफ किया, मैंने अभी साफ किया, दानियाल ने किया है और ये सारा इन्होंने हाथ में लगा के लेकर एक दूसरे को फेंक के मार रहे थे, ये कोई चीज़ है और हर कोई है ना नाराज़ होके जा रहा था, दो दो तीन बंदे ऐसे नाराज़ होके चले गए, उसके बाद फिर हमारा ये हमें तो पता ही नहीं कौन गया नाराज़ होके यार हमारे साथ नूर नबी चला गया, गुलाम नबी यार इधर ये देखो उसने लिखा था गुलाम नबी ने, गुलाम नबी चला गया, अभी हम जाएंगे बिस्मिल्लाह पे जाके कुछ खाएंगे यार, कुछ खाएं हाँ, तो मेरे बारे में कुछ बता रहे थे ना इधर, अच्छा हम इधर गए तो ऐसा था कि हमारी कबीर ना, कबीर मुझे बताएगा, कबीर आप लोगों को बताएगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है बताओ, तो ऐसा है वैसे कोई किसी की पर्सनैलिटी नहीं डिफाइन कर सकता, हर हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखता है, सब पर वहाँ बाहर चलते मुँह हाथ धोते तो टिशू खत्म हो गए तुम हंसो नहीं, तुम बताओ जल्दी करो, हाँ तो चलो बताते हैं क्या ना, ऐसा हुआ पहले ऐसा हुआ पहले इतनी बड़ी स्टोरी का टाइम नहीं, तुम्हारा रेडियो नहीं खत्म होगा, तुम बस जस्ट टू द पॉइंट बात करो, जस्ट पॉइंट हम व्हाट्सएप पे बात करते थे कॉलेज से होके, फिर मेरे साथ जो भी होता था मैं दानियाल को ही बताता था कि मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ वो हुआ, और दानियाल ब्लॉग में बता भी रहा है इसमें कि कभी ऐसे कहता था, लेकिन ऐसा है कि मैं कॉल पर व्हाट्सएप पे मेरे को ज़्यादा ही बोलता था इससे, हाँ ये बात है कि हम बहुत सी बातें, हाँ एग्जाम्पल दी थी लेकिन बहुत सी बातें हम बता नहीं सकते और शेयर कर नहीं सकते, तो उस हिसाब से हम इतना बता नहीं रहे, हम व्हाट्सएप पे ज़्यादा ही क्लोज रहे। अच्छा इधर अब मैं जा रहा हूँ, जो भी बात करेगा ना कबीर आपसे करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता चले यार कि मतलब मैं कोई से फोर्स करके नहीं कहा, ये खुद ही कह रहा है, जो भी हुआ ना तुम्हें जिस तरह से लगा पूरा साल दो साल जिस तरह के कहीं जो ऊँच नीच हो वो भी बताना, तरह क्या तुमने मेरे को तुम्हारे दिल में जो इज्जत है बहुत इज्जत है, मेरे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा कह रहा है, लेकिन ऐसा है कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने साथ, और हम व्हाट्सएप पर दानियाल को बताते और किसी को नहीं बताता था, और मैं सारी बातें दानियाल को ही बताता था और वो मेरे मसले हल भी करता था, मैं बताता था एडवाइस करता था, बहुत अच्छा मुझे लगा और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, हम अब जा रहे हैं और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई दिस व्लॉग, सो इस व्लॉग में जो भी कुछ था वो सारा कुछ मैंने बता दिया, इन लोगों ने ही बता दिया बल्कि, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे दुआ में याद रखें, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगा, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।